हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों में पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराने विटलेस सेवा समिति ने भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के आदेशानुसार जिले भर में 1000 से अधिक सकोरे वितरण अभियान की शुरुआत की है। निशुल्क मिट्टी के 100 से अधिक सकोरे वितरित किए और साथ में दाने भी दिए। समिति ने नागरिकों में पक्षी चेतना जागृत करने 1000 मिट्टी के सकोरे तैयार कराए हैं। जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं सुबह ठंडाई का वितरण किया गया और उसके बाद सकोरे वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समिति की ओर से पंडित विनय मिश्रा, समीर शुक्ला, राजकुमार मिश्रा, मनोज दीक्षित मामा, अमन राज तिवारी, यश अग्रवाल आदि शामिल थे। आगामी चरण में गोवंश को पानी उपलब्ध कराने सीमेंट की टांकियां शहर और ग्रामीण के विभिन्न स्थानों पर रखी जाएंगी। उनको पानी से रोज भरने की जिम्मेदारी भी उन लोगों को सौंपी जाएगी जिनके द्वारा चिन्हित स्थानों पर उनको रखा जाएगा। नागरिकों से एक कुंडा पानी और एक मुट्ठी दाना रखने का आह्वान किया। साथ ही गर्मियों के दौरान चलने वाला पक्षी संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया। समिति के सदस्य अब गली मोहल्लों में सकोरे लगाएंगे, दाना पानी डालने वाले नए मित्रों को तैयार कर उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे, साथ ही चिन्हित स्थानों पर हर सप्ताह जाकर देखेंगे सकोरे में नियमित पानी भरा जा रहा है या नहीं, दाना नियमित डाला जा रहा है या नहीं, जिससे अभियान की सफलता को लक्षित किया जा सके। कई सालों से चल रहा है यह सेवा कार्य। विटलेस सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि समिति के तत्वाधान में पिछले 20 सालों से पर्यावरण क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। समिति द्वारा वर्ष भर में अनेक सेवा कार्य किए जाते हैं। अप्रैल महीने में पक्षियों को दाना पानी और पशुओं के लिए जगह जगह टांकियां रखी जाती हैं। अगस्त महीने में हरियाली अमावस्या पर पौधों का निशुल्क वितरण और पौधारोपण का कार्य करती है। समिति के द्वारा पंडित श्री मिश्रा के आह्वान पर हर साल देश भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा पौधारोपण कराया जाता है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में जल स्रोत सूखने लगे हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी भी जल की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में पक्षियों को आसानी से पानी मिल सके इसके लिए समिति ने सकोरे का वितरण किया। साथ ही लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने घर के आंगन और छतों पर पानी के पात्र रखें जिससे गर्मी में पक्षियों को पानी मिल सके। गर्मी के दिनों में पक्षियों को पानी तलाशना कठिन हो जाता है, जिसे देखते हुए समिति ने शहर में आम लोगों को सकोरे का वितरण किया जिससे गर्मी के दिनों में पक्षियों को दाना पानी आसानी से मिल सके। सभी सदस्यों को ये मिट्टी के कटोरे दिए गए ताकि अपने घरों पर रखें, जो प्यासे जानवर पक्षी होते हैं उनको पानी पिलाने के लिए। आज समिति के द्वारा ठंडाई का वितरण किया गया है। यह समिति के द्वारा नेक कार्य किया जा रहा है गर्मी के लिए। ये गर्मी में जो पक्षियों प्यासे रहते हैं उनके लिए दाना और पानी इसके अंदर रखेंगे, जो समिति के द्वारा सभी सदस्य। और अभी गर्मी के उत्सव को देखते हो, गर्मी ज़्यादा पड़ने के उससे ठंडाई का वितरण किया जा रहा है। रुआवजा अभी 11 से 2 बजे तक के समथिंग रुआवजा का वितरण किया गया। अभी पक्षियों के लिए ये भेंट किया गया है श्रद्धालुओं को और भोजन प्रसाद चली रही है निरंतर। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।